अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। राजवीर जी, अभी जो नोटबंदी जीएसटी जैसे मुद्दे चल रहे हैं, उनको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं इसके ऊपर कितना असर डालेगा बीजेपी के ऊपर? क्या ये 2014 की तरह फिर दोबारा से लहर आ पाएगी बीजेपी की, उसके बारे में बताएं। देखो, चाय वाला बन के हमारे बीच में आए थे, अब वो चाय वाला इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि किसानों के वोट हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं और जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ है वही आदमी राजा बन सकता है या वही आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा। उनको मालूम है कि हमने गन्ना किसानों के पैसे नहीं दिए, ब्याज भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया और उनके गन्ने जो है वो खेतों में पड़े सड़ गए, वो हम नया खरीद भी नहीं पाए। तो उनको पता है कि जब गन्ना नहीं होगा तो चीनी नहीं होगी, चीनी नहीं होगी तो चाय तो बनेगी, ठीक है। तो वहाँ से उठ के और चौकीदार बन गए, जहाँ तक चौकीदार चोर है की बात है, ठीक है, ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन ये बात निश्चित है कि वो जो है एक निश्चित एक कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनके शायद में भी वो चौकीदार हैं, जिनके वो चौकीदार हैं, वो चार या पाँच लोग हैं, बाकी हमारे देश में 94% जनता तो मेरे जैसी है, आपके जैसी है, मेरे जितने लोग जुड़े हुए हैं इनके जैसी है, जिनको चौकीदार चाहिए नहीं, वो खुद अपने परिवार के और अपने घर के चौकीदार बन जाए वो अच्छा है। ये चौकीदारी की बजाय लोगों के स्वास्थ्य की बात करें, लोगों के रोजगार की बात करें, अगर ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बीजेपी की जहाँ तक लहर की बात है, ठीक है, वो मैंने क्या कहा कि आप झूठ बोल के और एक बार एक काम कर सकते हैं, झूठ बार बार नहीं चलता है। इन्होंने झूठ जो बोला वो सबके सामने आ गया है। जहाँ तक नोटबंदी और जीएसटी की बात है, जीएसटी इनका सोचा समझा और बिना बेवकूफ़ी भरा कदम था, ठीक है, जो कि इन्होंने बिना पोर्टल बनाए, जीएसटी का पोर्टल जीएसटी लागू होने के भी मेरी समझ में 4 महीने बाद आया। जीएसटी अभी तक भी इनका पूरा फॉर्म में नहीं है, जीएसटी से लोग बहुत परेशान हैं, पूरा देश परेशान है, ना लोगों को फॉर्म भरना आता है, ना गवर्नमेंट को पता है कि जीएसटी का हमने करना क्या है, असल में जीएसटी होनी क्या चाहिए, कितना परसेंट होनी चाहिए। पूरी दुनिया में मैंने आज तक 28% जीएसटी नहीं देखी, मैं भी व्यापारी हूँ, पूरे दुनिया में घुमा हूँ, 28% जीएसटी मैंने नहीं देखी आज तक। कभी उसको 18 कर देते, कभी 14 कर देते, कभी 12 कर देते। और जहाँ तक बात है नोटबंदी की, नोटबंदी इनका एक बहुत ही गलत फैसला साबित होगा क्योंकि इन्होंने जो नोटबंदी करी उसमें इन्होंने 3 बात कही कि साहब नोटबंदी से ब्लैक मनी बाहर आएगी, दूसरा इन्होंने कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी जी। और तीसरा इन्होंने कहा कि गरीब और अमीर का भेद मिट जाएगा जी। ना एक भी अमीर आदमी का ब्लैक मनी डिक्लेयर हुआ हो, ठीक है, तो ये वो बताएं, सरकार आंकड़े दे अपने या किसी इनके किसी आदमी को बताओ तो वो आंकड़े दे कि नोटबंदी से कितना ब्लैक मनी वापस आया, किस आदमी का आया जी। दूसरा इन्होंने कहा कि आतंकवाद की कमर टूट गई, अगर आतंकवाद की कमर टूट जाती तो मेरे को नहीं लगता कि पुलवामा जैसा कांड हमारे देश में हो सकता है जिसमें एक सिंगल आदमी फौजियों के बीच में 200-150 किलो लेके और आरडीएक्स आ गया। इसका मतलब एजेंसी की फेलियर नहीं है, वो निश्चित तौर से गवर्नमेंट की फेलियर था, गवर्नमेंट इस बात को माने कि गवर्नमेंट का फेलियर था, नोटबंदी से कोई उनकी कमर नहीं टूटी। और तीसरी बात थी कि इसमें जो है गरीब और अमीर का भेद मिट जाएगा, बल्कि ये हुआ कि इसमें गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया। जो माता बहनों के पास 1000-2000 रुपये गरीब महिलाएं अपनी जेब में छुपा के रखती थी परिवार के लिए, जो कोई लोग अपने जेब में रखते थे 2-5 हज़ार रुपये छुपा के, उनके सबके इन्होंने बैंक में डलवा दिए, बैंकों ने 6-6 महीने तक पैसे नहीं दिए, लोग लाइनों में लगे रहे, लोगों की उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मतलब मौत हुई, हम मेरा तो ये मानना है कि सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या करवाई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।